दोस्तों, मैं आलोक कुमार आनंद आपके लिए ग्रामर का एक टॉपिक डिग्री लेकर के आया हूं, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसे देखिएगा तो आपको डिग्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो निश्चित रूप से आप उसको बना पाइएगा। डिग्री एडजेक्टिव का एक भाग है, एडवर्ब में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन खास करके ये एडजेक्टिव का भाग है। और डिग्री को तीन भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में तुलना नहीं होता है, और अगर तुलना होता भी है तो उसमें समानता रहता है। अगर पॉजिटिव डिग्री में एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो, या सो एज के बीच में हो, तो दो सब्जेक्ट के बीच या दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होता है, और अगर ऐसा नहीं हो तो सामान्य रूप में उसमें कोई तुलना नहीं होता है। जैसे अगर हम दें कि राम इज अ गुड बॉय, तो इसमें कोई भी तुलना नहीं हो रहा है, इसलिए इसका कंपेरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाया जा सकता है। जबकि अगर दें कि राम इज एज गुड एज श्याम, यह भी पॉजिटिव डिग्री है और इसका कंपेरेटिव बनाया जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव से कंपेरेटिव, या कंपेरेटिव से पॉजिटिव, और सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपेरेटिव किस तरह से बनाया जाता है। का एक उदाहरण पहले लें और उसी उदाहरण से हम समझने का कोशिश करें। मिस्टर इज एज रिच एज मिस्टर शर्मा, यह पॉजिटिव डिग्री में है और इसे कंपेरेटिव में बदलना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, एग्जांपल से बता रहा हूं, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा तो तुरंत आप भी बना लीजिएगा। इसमें यहां पर देखिए दो के बीच तुलना हो रहा है, समानता का तुलना, मिस्टर सिन्हा और मिस्टर शर्मा के बीच। पॉजिटिव डिग्री को पहचानने का नियम कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव एज और एज के बीच में रहता है, या सो या एज के बीच में रहता है, सो एज के बीच में। सबसे पहले क्या करना है इसको कंपेरेटिव में बदलने के लिए, ये पॉजिटिव का है, इसको कंपेरेटिव करने के लिए सबसे पहले जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको हम आगे लेंगे। मिस्टर शर्मा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो रखेंगे इज, और अगर आपका पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो कंपरेटिव डिग्री के सेंटेंस को निगेटिव कर दें, और अगर यह निगेटिव हो तो आप इसे अफर्मेटिव कर दें। यानी मिस्टर शर्मा इज, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो इसमें नॉट लगाएंगे, नॉट, और उसके बाद हम रिच का कंपरेटिव देंगे, तो रिच का कंपरेटिव होता है रिचर। सामान्यतः ER लगाकर पॉजिटिव का कंपरेटिव बनाया जाता है, सामान्यतः। इसके अलावा जो दो सिलेबल का कोई एडजेक्टिव हो तो उसमें मोर लगा करके कंपेरेटिव बनाया जाता है, और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसका कुछ अलग रूल है, लेकिन हम यहां पर रीच का बनेगा एक सिलेबल है तो रीचर
तो मिस्टर शर्मा इज नॉट रिचर। और आप याद रखें, कभी भूलिएगा नहीं कि कंपरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव अपने बाद देन लेता है, देन। तो मिस्टर शर्मा इज नॉट रिचर देन, और पहला जो मेरा सब्जेक्ट था उसको अंतिम में रखे, मिस्टर सिन्हा। तो पॉजिटिव डिग्री से कंपरेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, आप उदाहरण को देखें। सबसे पहले एज, एज या सो एज को हटा दिया। दूसरा क्या किया, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव को निगेटिव कर दिया। तीसरा क्या किया, पॉजिटिव डिग्री के, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपरेटिव बना दिया, कंपरेटिव बना दिया। चौथा क्या किया, कंपरेटिव के बाद देन का प्रयोग किया और S1 को S2 के जगह कर दिया। यानी सब्जेक्ट जो पहला पॉजिटिव डिग्री में जो सब्जेक्ट था उसको अंतिम में कंपरेटिव में दिया गया, और उसका जो सेकेंड सब्जेक्ट था मिस्टर शर्मा उसको शुरू में दे दिया गया। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव से कंपरेटिव बनाते हैं। अब आइए, कंपरेटिव से अगर पॉजिटिव बनाना हो तो इसी नियम को हम, इसी का उल्टा नियम अपनाएंगे। क्या करना है, अगर मान लीजिए रानी इज एज ब्यूटीफुल एज सोनी, तो यहां इसको कंपेटिटिव करना है तो क्या करना है, सबसे पहले तो हम सोनी लाएंगे। सोनी इज, और ये एफर्मेटिव में है तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाएंगे, नॉट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल टू सिलेबल का शब्द है, तो इसके पहले हमने बताया कि जो दो सिलेबल वाला एडजेक्टिव हो तो उसमें मोर लगा करके उसका कंपरेटिव बनाए, तो मोर ब्यूटीफुल। और याद रखना है आपको, मैं बता चुका हूं कि कंपरेटिव के बाद देन का प्रयोग किया जाता है, तो देन लगाएं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमें वहां अभी नहीं जाना है। सोनी इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन रानी। एक एग्जाम्पल और लें, यू आर नॉट एज गुड एज रोहन। अब यहां देखिए ये निगेटिव है, सबसे पहले इस सब्जेक्ट को शुरू में रखेंगे, रोहन, रोहन चूंकि सिंगुलर है तो यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमको इज लेना है, रोहन इज। अब यहां ये निगेटिव है, मैंने बताया अगर निगेटिव हो तो उसको कंपरेटिव, उसको अफर्मेटिव करें, तो रोहन इज। और गुड का कंपरेटिव होता है बेटर, बेटर, और उसके बाद क्या लगाना है, देन यू। अब हम लोग कंपरेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेंगे। कंपरेटिव से पॉजिटिव, सेम पॉजिटिव से कंपरेटिव का जो नियम था उसके उल्टे क्रम को हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल लिखिए, राधा इज
taller than Neha. क्या करना है? सब्जेक्ट चेंजिंग, नेहा इज. अब यहां देखिए यह एफर्मेटिव में है तो निगेटिव करने के लिए यहां पर नॉट लगाएंगे. नॉट और पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है वो एज एज के अंदर होता है. और इसको पहचानने के लिए तो आप कंपेरेटिव पहचान गए कि ईआर लगा हुआ है और उसके बाद देन लगा हुआ है तो इसका मतलब कंपेरेटिव है. और इसको हमको पॉजिटिव करना है तो क्या करना है? तो नेहा इज नॉट और पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा वो एज एज के बीच रहेगा तो एज. और टॉलर का पॉजिटिव होगा टॉल एज. नेहा इज नॉट एज टॉल एज जो मेरा शुरू का था उसको अंतिम में कर दें राधा. इस तरह से हम लोग कंपेरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे. अब आते हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपेरेटिव कैसे बनाया जाएगा इसको हम लोग देखते हैं. बहुत ही छोटा भी वीडियो देने जा रहा हूं और इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग चेंज करें डिग्री को. इससे पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं. आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब दे सकते हैं. नेहा इज मोर ब्यूटीफुल देन सोनिका. इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि इसका पॉजिटिव डिग्री किस तरह से बनाया जाएगा. और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें. आइए अब हम लोग सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपेरेटिव कैसे किया जाएगा उसको देखते हैं. सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपेरेटिव, पॉजिटिव और कंपेरेटिव. सबसे पहले एक एग्जांपल लें और एग्जांपल से ही समझें. मिस्टर सिन्हा इज द richest man of this village. इस वाक यह सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसे हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे. इसको करने के लिए हमको क्या करना है उससे पहले हम देखें कि यह richest जो है सुपरलेटिव को पहचानने के लिए का नियम है कि उसके अंदर उसमें est लगा रहता है और most लगा रह सकता है. अगर वो टू सिलेबल का होगा तो most लगा रहेगा. तो यहां देखिए est लगा हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले द का प्रयोग किया जाता है. यह बात आप भूलिएगा नहीं क्योंकि आर्टिकल से संबंधित जो क्वेश्चन आपको कभी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो सुपरलेटिव डिग्री दे करके भी फंसाया जाता है. तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा. रिचेस्ट तो द, तो ये इसका मतलब यह सुपरलेटिव का है. अब हमको इसको बनाना है पॉजिटिव में. तो पॉजिटिव बनाने के लिए जो हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो वो नो अदर से वाक को शुरू करेंगे. नो अदर, नो अदर के बाद
सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद का जो भाग है उसको उतार देंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद का भाग है मैन ऑफ द ऑफ दिस विलेज, उसको रखेंगे। नो अदर मैन ऑफ दिस विलेज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे। हेल्पिंग वर्ब यहां मैन सिंगुलर है इसलिए यहां पर इज देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यह प्रेजेंट टेंस में है, इज है तो यहां पर इज देंगे। तो नो अदर मैन ऑफ दिस विलेज इज, और आपको पता ही है, आप अब तक में जान चुके हैं कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव किसके बीच में रहता है, एज एज या सो एज। तो एज और रिचेस्ट का जो पॉजिटिव फॉर्म होगा वो होगा रिच, एज रिच एज, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है उसको रखे मिस्टर सिन्हा। आपने क्या देखा कि सुपरलेटिव डिग्री को बदलने के लिए सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में बदलने के लिए सबसे पहले हमने वाक का शुरुआत कहां से किया, नो अदर से। नो अदर के बाद क्या किया, तो इस एडजेक्टिव के बाद जो भाग बचा हुआ था उसको उतार दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, उसके बाद हेल्प उसके बाद पॉजिटिव डिग्री का जो फॉर्म होता वो रखा गया, और उससे पहले पॉजिटिव डिग्री से पहले एज एज का प्रयोग होता है वो दिए, और उसके बाद जो मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसको बाद में उतार दिया गया। तो क्या बना, नो अदर मैन ऑफ दिस विलेज इज एज रिच एज मिस्टर सिन्हा। एक एग्जांपल और लें, यू आर द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, इसका आप समझ गए कि यहां बेस्ट है और उसके पहले द लगा हुआ है, सुपरलेटिव में है, इसका पॉजिटिव करना है तो वाक की शुरुआत नो अदर से, नो अदर उसके बाद इसको हम उतार देंगे, बॉय ऑफ दिस क्लास, यहां यू के साथ आर है लगा हुआ लेकिन यहां बॉय है इसलिए इज एज बेस्ट का जो पॉजिटिव होता है वो गुड होता है, एज गुड एज यू, शुरू का जो सब्जेक्ट था उसको अंतिम में। इस तरह से हम लोग सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाए। देखिए सुपरलेटिव में दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का आता है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, एक होता है वन ऑफ द, वन ऑफ द। तो अब हम चलते हैं कि अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द लगा रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री, अभी हमने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में द प्लस सुपरलेटिव और दूसरा होता है वन ऑफ द, वन ऑफ द। अगर वन ऑफ द हो जैसे यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, याद रखें वन ऑफ द के बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, मैन ऑफ दिस विलेज। तो इस वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के लिए इसमें जब इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो वेरी फ्यू से शुरुआत करेंगे, वेरी फ्यू मैन ऑफ दिस विलेज, मैन ऑफ दिस विलेज। अब यहां मेन है प्लुरल इसलिए यहां पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू टेंस आर लगाया जाएगा, वेरी फ्यू मेन ऑफ दिस विलेज आर,
एज रीच एज यू, एज रीच एज यू, एज एज के बीच में रीच इसका पॉजिटिव है। अब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से कंपरेटिव कैसे बनेगा इसको देखते हैं और दोनों तरीका का जो होता है वो देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएं, और अगर आप कुछ सही लग रहा है तो इसे शेयर करना भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाने का काम करें। दूसरा रूप जो सुपरलेटिव डिग्री का से कंपरेटिव, तो सुपरलेटिव से कंपरेटिव, सुपरलेटिव से कंपरेटिव के लिए हम लोग एग्जांपल की ओर चले। नेहा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस कोचिंग। द मोस्ट, अब ये सुपरलेटिव में है तो इसका कंपरेटिव हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बनाया जाएगा, तो शुरुआत जो सब्जेक्ट है वहीं से करेंगे। नेहा इज मोस्ट, द मोस्ट को हटा करके मोस्ट का जो कंपरेटिव होता है मोर होता है, तो मोर की ओर चलेंगे। नेहा इज मोर ब्यूटीफुल गर्ल, नेहा इज मोर ब्यूटीफुल गर्ल देन, यहां पर लगाएंगे देन, मोर ब्यूटीफुल उसके बाद देन, क्योंकि आपको पता है कि कंपरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है। एनी अदर, एनी अदर गर्ल ऑफ दिस कोचिंग, ध्यान दें मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मेरा सब्जेक्ट था उसको उसी तरह रहने दिया कंपरेटिव में बदलने के लिए, उसके बाद द मोस्ट ब्यूटीफुल को कंपरेटिव में बदला तो मोस्ट ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल कंपरेटिव रूप होता है। उसके बाद आपको पता है कि कंपरेटिव के बाद देन का प्रयोग होता है तो देन लगाया। उसके बाद क्या किया, इस चीज को बढ़िया अच्छी तरह से आप देखें कि एनी अदर, और एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन का बोध होता प्रयोग किया जाता है, तो एनी अदर गर्ल और उसके बाद जो है उसको उतार दिया, एनी अदर गर्ल ऑफ दिस कोचिंग। नेहा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल ऑफ दिस कोचिंग। आप इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, एनी अदर के जगह ऑल अदर देकर, लेकिन ऑल अदर के बाद, ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करें। तो कैसे बनेगा, नेहा इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर गर्ल्स ऑफ दिस कोचिंग। नेहा इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर गर्ल के जगह हमने क्या कर दिया, गर्ल्स यानी प्लूरल नाउन। तो इस तरह से हम लोग सुपरलेटिव से कंपरेटिव बनाएंगे। अब जो दूसरा तरीका था जिसमें सुपरलेटिव में वन ऑफ द हो तो उसमें क्या करेंगे, वन ऑफ द का कंपरेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए उसको देखते हैं। सोहन इज
मोस्ट लेबोरियस इज वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस वॉयज इसको हमको कंपेरेटिव करना है। कंपेरेटिव करने के लिए जिस तरह हम इससे पहले वाला किए उसी तरह करना है, थोड़ा सा अंतर इसमें करना है। सोहन इज रखे और वन ऑफ द जिस तरह उसमें एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग किए उसी तरह यहां पर मोस्ट अदर का प्रयोग करना है। और सबसे पहले हम इसको कंपेरेटिव में बदल लें तो सोहन इज मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस कंपेरेटिव में बदलेगा तो मोर लेबोरियस, सोहन इज मोर लेबोरियस और उसके बाद क्या लगाना है देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर बॉयज। तो क्या किए, सबसे पहले सब्जेक्ट को रख लिए, सब्जेक्ट के बाद सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपेरेटिव डिग्री में बदल दिए, उसके बाद कंपेरेटिव के बाद क्या लगता है देन, और उसके बाद जहां उसमें एनी अदर या ऑल अदर किए थे वहां पर इसमें क्या कर दिए मोस्ट अदर लगाए, उसके बाद प्लुरल नाउन। तो सोहन इज मोर लेबोरियस देन मोस्ट अदर बॉयज। इस तरह से हमने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री से किस तरह पॉजिटिव डिग्री और किस तरह से कंपेरेटिव डिग्री बनाया जाता है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अगर एक बार में न समझे तो बार बार, दो बार, चार बार देखें और निश्चित रूप से यह समझ में आएगा। इसी के साथ मैं आपको फिर अगले सप्ते अगला टॉपिक लेकर के हाजिर रहूंगा। यदि आपको पसंद आए तो कमेंट करते रहिएगा।